हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। मैं अभी गई थी बाहर गाइस, अभी बाहर से आई हूँ। मैं क्यों गई थी बाहर गाइस, मैं बैंक गई थी, मेरा एटीएम कार्ड गाइस गुम हो गया है। तो मैं उसके न्यू कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए गई थी गाइस। तो मुझे बैंक में थोड़ा लेट हो गया, अभी खाना बनाना भी बाकी है। तो रास्ते से मैंने मटर ले लिए, अभी मटर में छिलके खाना बनाऊँगी। बस अभी नक्श के भी आने का टाइम हो गया है गाइस, तो अभी मुझे थोड़ा लेट हो गया है खाना बनाने में। तो चलिए मैं अभी मटर छील लेती हूँ फटाफट। घर का काम तो मैं करके गई थी, हो गया है, बस अभी खाना बनाना बाकी है गाइस। तो गाइस मेरे मटर तो छिल गए, अभी चलिए मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट। लाइट चालू करूँ। चावल मैंने भिगो दिए गाइस, आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी टमाटर में। खाना बना रही आज तो जो फटाफट जल्दी बनेगा वही खाना मैं आज बना रही हूँ सब्ज़ी। तो आलू मटर की सब्ज़ी टमाटर में जल्दी बन जाएगी कुकर में। एक एक साइड मैंने चावल रख दिए है, बस सब्ज़ी रख दूँ फिर मैं आटा लगा देती हूँ, फटाफट खाना रेडी। इसमें आ जाएगा थोड़ा सा जीरा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। टमाटर नक्श आ गया गाइस। कौन है? क्या हुआ? आज फिर से कुछ हुआ है। दरवाजा बंद करो। आज फिर से कुछ करके आए स्कूल में। क्या हुआ? मैथ्स का पेपर आज हार दिया है। तो क्या हुआ, इतना मुंह क्यों उतर गया है तुम्हारा मैथ्स के पेपर में? पेपर मिला है तो ऐसे मुंह क्यों नीचे उतर गया है तुम्हारा? अच्छा वो जो करके आए थे वो, हाँ जो इसकी गए लास्ट वीक टेस्ट थी ना गाइस, उसका आया है। वाह वाह वाह, देखो गाइस 25 में से 10, इसलिए इसका मुंह उतरा हुआ था। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा लगा। 25 में से 10 मिले हैं तुम्हें। आजकल ध्यान बहुत तुम्हारा गेम में है, टीवी में गेम में, नहीं नक्शु? देखो गाइस 25 में से 10, वो भी मैक्स तो इसकी इतनी अच्छी थी, अभी ये पता नहीं इतना कहाँ जा रहा है इसका ध्यान। कुछ कहना है इसके बारे में? हाँ बेटा, इसीलिए आया घर में तो मुंह तो नोट वाला भी। क्या नोट वाला भी आया था ना? तो क्या हुआ, नोट वाला आया था? तो अरे बाप रे, ये तो मैंने तुम्हें कितनी प्रैक्टिस करवाई इसकी तो भी। चलो तुम, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दिखाओ। उसने मुझे ऐसे लगा क्या है ना 25 रुपीस एंड 12 पैसा ऐसा लगा। कोई नहीं, चलो अभी तो ये टेस्ट ही ना, अभी सेकंड टर्म की एग्जाम आएगी ना, तब तक तुम रेडी हो जाओ इसके लिए, ठीक है? अभी क्या हुआ, क्या बोल रही हूँ मैं? रो रहा है। मारने वाली हरकतें तुम करते हो फिर रो रहे हो। चलो चुप हो जाओ। तो तुम आजकल टीवी में बहुत गुस्से रहते हो नक्शु, अभी से रोना आ रहा है। चलो चुप करो।
ये तो टेस्ट था ना बेटा, अभी ओरिजिनल जब एग्जाम आएगी ना तब तक तैयारी कर लो, ठीक है? ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, अभी ओरिजिनल एग्जाम आने वाली है ना, डेट आ गई है अभी तुम्हारी, तब तक तैयारी कर लो, ठीक है? तो अभी बताओ नेक्स्ट टाइम अच्छे आएंगे ना? चलो ठीक है, तो अभी चुप हो जाओ, पानी पी लो, चलो पानी पी लो। मैं वही सोच रही थी आज क्या हुआ इसके स्कूल में, इसका मुंह क्यों उतरा हुआ है। तो ये जो टेस्ट देके आया था ना गाइस, उसका रिजल्ट मिला था उसे, मतलब जो टेस्ट देके आया था वही पेपर उसे मिला घर पे दिखाने के लिए, तो इसलिए लगा मम्मी मुझे डांटेगी, डांटने वाली हरकतें तो करता है ये आजकल। चलो फिर मैं अपना खाना आधे में छोड़ के, अभी मैं सब्जी के लिए टमाटर चॉप कर लूँ गाइस। हाँ इसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर का लिखना है ना तुम्हें, और दूसरा ये था कन्वर्ट पैसा इन रुपीस, उसमें हाँ हो गई है। मैंने नीचे कुकर उतार दिया, अभी बना रही हूँ रोटी, ना खाया ना खाया नहाने के लिए, तो मैं फटाफट अभी रोटी बना रही हूँ बस। रोटी मैंने बना दी है, लक्ष्य भी नहा के आ चुका है, मैं उसे फटाफट खाना दे दूँ गाइस। तो गाइस मैंने भी खाना ले लिया है और नक्श को भी मैंने खाना दे दिया है, अभी चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं गाइस। नक्श उठो, चलो नक्श के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया गाइस, चलो नक्श उठो बेटा, नक्श चलो। तो गाइस नक्श हो चुका है रेडी, अब जा रहा है ट्यूशन में, चलो बेटा बाय बाय। तो गाइस नक्ष तो जा चुका है ट्यूशन पे, अब मैं जा रही हूँ मार्केट गाइस, मुझे थोड़ा घर का सामान लेना है, खास तो मुझे मिर्ची लेनी है, लाल मिर्ची मेरे घर में ख़त्म हो गई है गाइस, दो दिन से मैं सोच रही थी, तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आज जा रही हूँ गाइस, मुझे थोड़ा बहुत घर का सामान लेना है, तो मैं अभी निकल रही हूँ मार्केट के लिए गाइस, तो मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं मार्केट जाके आ गई हूँ, मुझे जो सामान लेना था मैं लेके आई हूँ गाइस। तो गाइस मैं मार्केट से लेके आई हूँ ये कच्ची सिंग, सिंग मुझे आज बनानी है चिक्की, हमारे यहाँ पे अभी गाइस बस थोड़े दिनों में आने वाली है मकर संक्रांति उत्तरायण, तो पतंग वतंग उड़ाएंगे गाइस, तो चिक्की बनानी थी मुझे सिंग की, तो उसके लिए मैं सिंग लेके आई हूँ गाइस, और चने खारी सिंग खाने के लिए, ये भी चने ये बुने हुए छोले आते हैं ना खाने के, और ये संदीप के लिए ये लाई हूँ गाइस, मैं ये चिक्की है सिंग और तिल की है रेडीमेड, उन्हें ये बहुत पसंद है गाइस, मुझे तो घर की चिक्की पसंद है, मैं अपने लिए और सबके लिए घर की चिक्की बनाने वाली हूँ सिंग की और तिल की, तो उसके लिए ये मिले गए गुड़, देसी गुड़ है गाइस, इसी से बनाऊँगी मैं चिक्की सिंग की, और मेन चीज तिल, तिल मेरे घर में खलास हो गई थी गाइस, तो वो मैं भी लेके आई हूँ, और गाइस तो चलिए गाइस चिक्की बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रखूँगी मैं कढ़ाई, जितनी सिंग उतना ही गुड़ गाइस, तो ये सिंग मैंने मेजरमेंट के हिसाब से एक कटोरा निकाल के रखी है गाइस, सबसे पहले ये कच्ची सिंग है, सबसे पहले गाइस इसे मैं भूनूंगी सिंग को, मैं ना भाई कच्ची सिंग से पहली बार बना रही हूँ, वैसे तो वो जो खाने वाली सिंग आती है ना सेकी हुई, मैं उसी से बनाती हूँ, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और मैं कच्ची सिंग की पहली बार बनाई है, इससे पहले घर में सेकना होगा गाइस, सेकने के बाद बनाऊंगी। तो गाइस मूंगफली सिक चुकी है, अभी से मैं थोड़ी देर पंखे में नीचे करूँगी ठंडा 5 मिनट, गुड़ डालने से पहले गाइस उसमें पहले नीचे
नीचे हल्का सा घी, ज़्यादा नहीं गाइस, थोड़ा सा घी डालना है। जैसे कि गुड़ है ना गाइस, नीचे तले में चिपके नहीं, जैसे कि गुड़ चप नीचे ना तले में चिपके नहीं, इसलिए थोड़ा सा घी डाल देना है। देखिए गाइस, ये सिंग मैंने रेडी करके रख दी है यहाँ पे, इसके छिलके निकाल दिए, इसे थोड़ा कूट दिया है, और ये गुड़। गैस मैंने बंद कर दिया है गाइस। मसाला आलू, देखिए गाइस, इसको ना तुरंत थाली पे निकालने के बाद इसको ऐसे शेप दे देना है गाइस, नहीं तो ये जैसे ठंडी होगी ना तो ऐसे कड़क हो जाएगी, आप उसको उसको फिर शेप नहीं दे पाओगे गाइस। ये रेडी है, अभी अगर इसे आपको बीच में से काट दोगे ना गाइस तो फिर ये आपको आसानी से बाद में निकल जाएगी प्लेट में से, नहीं तो फिर ये नहीं निकलती गाइस, टूट जाती है पूरी, तो आप इसको अभी शेप अभी दे दो गाइस इसे बीच में से। खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है, सिंग है, गुड़ है, मैं शक्कर की तो नहीं बनाती गाइस, गुड़ की बनाती हूँ, गुड़ तो हेल्दी होता है खाने में। तो चलिए मेरी सिंग की चिक्की तो बन गई है, बस अभी नाश्ता भी आने का टाइम हो गया गाइस, तो मैं किचन साफ कर लेती हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए गाइस, और कमेंट्स भी कीजिए अच्छे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।